हेलो दोस्तों, डीजे कुमार ब्लॉग चैनल को फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउजा का डीजे सेटअप के बारे में। ये आपका सेटअप सिर्फ ओनली आउजा में रहेगा, मतलब एम्पलीफायर भी आउजा में ही देखने को मिल जाएगा इस डीजे सेटअप में। ये डीजे सेटअप में कितना इक्विपमेंट रहेगा टोटल बात करेंगे, और किसका किसका प्राइस भी बताऊंगा, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बात कर लेता हूँ। और जैसे कि हालांकि मैं एक वीडियो बनाया था कि सिर्फ ओनली आपका स्टेंजर का डीजे सेटअप, वो आपका कम प्राइस में हो गया था, जैसे कि आपको नॉर्मल में पता चल गया उस वीडियो में। और ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये आपका प्राइस कितना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आउजा का आपका ज़्यादा ही आपका हाई रेंज में देखने को मिल जाएगा, मतलब स्टेंजर का मतलब दो गुना ये आपका हाई रेंज में मिलता है। तो प्राइज में तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके आउजा में ज़्यादा मतलब प्राइज होता ही है और रहता भी है। तो चले आगे बात कर लेता हूँ। प्राइज एक एक बताऊंगा, एक एक आपका टोटल एक एक करके चीज़ समझाऊंगा, और क्या बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट एम्पलीफायर होगा वो भी बात करेंगे। तो बिना स्किप के आपके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इस तरह मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वीडियो पसंद है एक बार जोर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, जल्दी इस वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सिंपल आपको थंबनेल में दिखने को मिल चुका होगा, जो कि आपका आठ मतलब चार बेस और चार टॉप आपको दिखने को मिल चुका होगा। तो बेस क्या क्या है बात कर लेता हूँ। चलिए बेस एक का रिव्यू करता हूँ, जैसे एक का रिव्यू करेंगे तो मतलब चारों का रिव्यू हो जाएगा। तो सिंपल चलिए सिंपली बात कर लेता हूँ। देखिए बेस आपका आउजा में रहेगा तो इसका मॉडल नंबर आपका देखने को मिल जाएगा SWX। ये आपका ब्रांड आपका आउजा में ही रहेगा, जो जैसे कि मैंने पता मतलब पहले बता दिया था। और इसका इनपुट पावर आपका 1000 वाट का रहेगा, मतलब ये आपका 1000 वाट का एक बेस रहेगा आपका। चले और बात कर लेता हूँ। ये आपका 1 mm बना रहेगा, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि 1 mm 2 mm किस लिए कहते हैं। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो में जाइए और 1 और 2 mm पता चल जाएगा क्या क्या होता है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए बात किया जाए तो इस बेस में, ये बेस में आपका 3600 से 200 आपका हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका काफ़ी इस बेस में मतलब स्पीकर में आपका मतलब अच्छा बेस आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि 3600 से 200 हर्ट्ज आपको काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका 18 इंची का मतलब बेस आता है, मैं सिंपल कहना चाहता हूँ 18 इंची का बेस आता है। और इसका वॉइस कॉल आपका 5 इंची का आता है, मतलब काफ़ी आपको बेस इसमें इस स्पीकर मिल जाएगा। और आगे बात करें तो ये आपका 8 ओम में काम करेगा। और इसका वेट बात किया जाती है आपका 53 kg लगभग हो जाएगा। तो इसमें आपका इतना आपका फिर मतलब स्पेसिफिकेशन है। और चलिए बात करें तो टॉप बॉक्स में, तो टॉप बॉक्स में भी आउजा में रहेगा, तो सिंपल आपको दिखने में मिल जाता है आपका ब्रांड आपका आउजा में दिखने में मिल जाएगा। इसका मॉडल आपका SRX 500, ये आपका 400 वाट का आर्मेस पार्ट मिलता है, मतलब ये आपका 400 वाट का ये टॉप बॉक्स होता है। और बात करेंगे इसका 2 mm बना होता है, 2A किस लिए तो मैं बात कर लेता हूँ। चलिए 2A आपका बता देता हूँ। 2A आपका एक स्पीकर और एक HF को मिला के 2A मतलब कराता है। तो इसमें आप HF भी देखने को मिल जाएगा और साथ में 2 मतलब 2 स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। तो और आगे बात कर लेते हैं इसका इसका फ्रीक्वेंसी इसका मिल जाता है 50 से मतलब 20 हज़ार हाइटेस्ट तो देखने को मिल जाता है, मतलब काफ़ी आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता है। मतलब ये आपका टॉप बॉक्स के लिए मैं सिर्फ चुना हूँ, तो ये आपके लिए सब बेस्ट होगा। तो चले आगे बात करें तो देखिए आपका 2 स्पीकर देखने को मिल जाता है, मतलब आपका दोनों स्पीकर आपका 15 इंची का होता है, साथ में एक HF भी लगा होता है और साथ में एक नेटवर्क किट का मतलब एक क्रॉसओवर भी लगा होता है, जो कि आपका 6000 मतलब हाइटेस्ट का लगा होता है। और चले आगे बात करें तो देखिए इसका वेट आपका 49 kg लगभग हो जाएगा एक टॉप बॉक्स का। तो चले आगे बात करें तो इस बेस और टॉप बॉक्स के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होने वाला हूँ। तो इस बेस के लिए मैं 4 बेस के लिए मैं 2 एम्पलीफायर लिया हूँ और 4 टॉप के लिए मैं भी 2 एम्पलीफायर लिया हूँ। तो सिर्फ आउजा में रहेगा, मैं अदर कंपनी का एम्पलीफायर नहीं लिया हूँ, तो सिर्फ बात किया हूँ आउजा में। तो चलिए बात कर लेता हूँ। देखिए 4 मतलब आप बेस आपका मतलब 4000 वाट का हो जाता है, टोटल मिला के 4000 वाट का हो जाता है। तो मैं अलग अलग 2 आप मतलब करके दिखा देता हूँ, मतलब आपका 1000 वाट मतलब एक ही एम्पलीफायर में लगेगा और दूसरा एम्पलीफायर में 1000+1000 भी लगेगा। तो सिंपल चलिए बात कर लेते हैं आपका एम्पलीफायर आपका मॉडल नंबर देखिए आपका SPA 25000 जो कि एम्पलीफायर आता है ओजा में, वो आप यहाँ आपको 2 बेस आराम से बजा सकते हैं, आराम से चला सकते हो, आप अच्छा बजा भी सकते हैं, मतलब अच्छा भी चलेगा भी, तो आप इसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बजेगा। और मतलब आप इसे 2 मतलब बेस और इधर भी 2 बेस मतलब आपके 4 बेस 2 एम्पलीफायर में बजा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप चल सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं टॉप बॉक्स के लिए, तो टॉप बॉक्स देख ले उसके लिए भी 2 एम्पलीफायर लिया हूँ, जो कि आपको नॉर्मल पता होगा, जो कि आपका 800 वाट हो जाता तो मैं UB 800 को चुना हूँ, तो भी एम्पलीफायर आपका असल बेस्ट होने वाला है। तो चलिए बात कर लेता हूँ आगे। तो चलिए इसमें आपका 2-2 मतलब बजा सकते हैं, 2 मतलब 2 टॉप बॉक्स इधर भी 2 टॉप दोनों एम्पलीफायर में आराम से बजा सकता है। चलिए बात करते हैं सीधे पॉइंट पर, जो कि प्राइज के बारे में, प्राइज में एक एक करके बताऊंगा, डिटेल और डिटेल बताऊंगा, सभी को जोड़ के बताऊंगा, जो कि मैं पहले ही बता दिया था। तो चलिए आगे सबसे पहले बात करेंगे एक बेस का प्राइज कितना पड़ता है और 4 बेस का प्राइज कितना पड़ता है। तो चलिए सिंपली पहले बात कर लेता हूँ। देखिए एक बेस का प्राइज आपका पड़ सकता है 24000 लगभग, लगभग क्या इतना 24000 मान लीजिए, 24000 ही पड़ेगा। और आपका 4 कीजिएगा तो 4 आपका
मतलब आपका 96,000 आपका पड़ सकता है, मतलब 96,000 आपका लगभग पड़ सकता है एक चार का, और एक का आपका 24,000, मतलब आपका समझ लीजिए, मतलब आपका अंदाज लगा सकते हैं कि इतना आपका 1 लाख मतलब करीब आपका ये आपका बेस आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि आउजा में कितना हाइस प्राइज आपको देखने को मिल जाता है, और जो कि मैं उसी वाला वीडियो में बताया था कि स्टेंजर का से ओनली आपका 72,000 में आपका 4 बेस और 4 टॉप हो गया था, और इसमें देखिए आपका कितना पड़ सकता है टोटल एक एक करके बताता हूँ। और चलिए बात करें तो आपका टॉप बॉक्स, तो टॉप बॉक्स का एक का टॉप बॉक्स आपको 17,000 पड़ सकता है, और चार का कीजिएगा तो आपका 68,000 आपका पड़ सकता है, मतलब 68,000 आपका लगभग पड़ सकता है, मतलब चार का और एक का 17,000। तो सोच लीजिए इसमें भी कितना ज़्यादा मतलब आपका मिल जाता है। और चलिए बात करें तो अब एम्पलीफायर में आ जाता है, एक एक करके जोड़ करके बताऊँगा लास्ट में कितना हो जाता है। तो एम्पलीफायर जो कि आपका एसपी में जो 25,000 में बताता है, उसके एम्पलीफायर आपका प्राइस आपका 48,000 आपका पड़ सकता है एक का, अगर दो का कीजिएगा आप समझ लीजिए कितना पड़ेगा, मतलब 96,000 आपका दो का पड़ सकता है, 96,000 आपका पड़ जाएगा आपका दो का। और बात कर लेता हूँ आपका मतलब जो कि आपका UV 800 में, तो UV 800 में आपका लगभग पड़ जाएगा 25,000, जो कि 25,000 आपका एक का पड़ेगा, और दो का कीजिएगा तो 50,000 हो जाएगा। तो आपका एम्पलीफायर और आपका ये आपका दोनों एम्पलीफायर को मिलाकर कितना होता है, चलिए बात कर लेता हूँ। अब बात करेंगे चारों का, तो चलिए सिर्फ एम्पलीफायर का बात कर लेता हूँ। तो दोनों एम्पलीफायर का मतलब दो दो करके चार एम्पलीफायर होता है, तो चार एम्पलीफायर का प्राइस देखिए आपका टोटल 1,41,000 लगभग पड़ सकता है, चार टोटल आपका 1,40,000 पड़ सकता है जाएगा। अब बात करेंगे सिर्फ आपका बेस का, तो चलिए बेस का बात कर लेता हूँ, चार बेस और चार टॉप का, तो चलिए सिंपल बात कर लेता हूँ। तो इसमें आपका पड़ जाएगा 1,64,000 रुपये पड़ सकता है, काफ़ी आपको देखे आउजा में आपका हाइस प्राइज मतलब प्राइज आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका स्टेंजर में उतना नहीं प्राइज मिलता था, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा प्राइज आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करें टोटल, तो टोटल कितना होता है, चलिए टोटल आपका बात कर लेता हूँ। टोटल आपका 3,10,000 आपका पड़ सकता है, टोटल इतना आप लोग खर्चा करेंगे तब इतना बड़ा सेटअप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना आउजा में प्राइज मिल सकता है, मतलब कितना हाइस प्राइज होता है। चलिए ये सेटअप होगा जो कि मैं पिछले वीडियो में वो स्टेंजर में आपका 72,000 में आपका 4 बेस और चार टॉप हो गया था, लेकिन इसमें आपका दिखने नहीं मिले, इसमें आपका 3 गुना आपका ज़्यादा मतलब प्राइज आपको दिखने मिल जाता है आउजा में। तो आपको सोच सकते हैं आउजा में कितना हाइस प्राइज है, तो आप लोग सोच भी सकते हैं इसका टिकाव भी बहुत अच्छा है, इतना प्राइज ले रहा है तो इसमें टिकाव भी होगा। तो चलिए इसका आपको टोटल में एक्सप्लेन करके दिखा दिया हूँ, जो कि आपका प्राइस एक एक करके बता दिया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर कीजिएगा, और आपके मन में कुछ सवाल डर तो कमेंट कर जरूर बताएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।